हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल बघेल और मैं आपका दोस्त देवपाल बघेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक अकाउंट पर कि कैसे हम लोग अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर सकते हैं, और बात करने वाले हैं कि कैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फेसबुक के फ्रेंड हैं उन लोगों को नंबर हमारा शो हो, बाकी किसी को ना हो, या फिर आप लोग सभी को चाहते हैं, तो कैसे हम लोग पब्लिक कर सकते हैं अपने नंबर को, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए न्यू डेली वीडियो अपडेट करता रहता हूँ और न्यू ट्रिक लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग यूजी ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र से आप लोग फेसबुक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फेसबुक अकाउंट को ब्राउज़र से ओपन कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी से यहाँ पे पहले से ओपन लॉगिन कर रखा है कि ज़्यादा और समय ना लगे। और यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल में जाना है सबसे पहले, तो यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करके और उसके बाद आपकी इमेज आ जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अरुण पाल नाम, क्योंकि एक स्टाइलिश नाम है, तो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने स्टाइलिश नाम कैसे लिखा है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी से वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है नाम लिखने में कि आपका नाम सेव नहीं होता है, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलता है अबाउट का, तो आपको अबाउट में क्लिक करना है। जब आप अबाउट में क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जाना है, यहाँ देख सकते हैं आपकी डिटेल्स हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और कॉन्टैक्ट में आपको एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर वेरीफाई के पास में, ये वेरीफाई मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना नंबर वेरीफाई नहीं कर रखा है। अगर आपने अपना नंबर वेरीफाई कर रखा है तो आपका वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक, फ्रेंड्स, ओनली मी, इन तीनों में से आप लोग किसी पर भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नंबर आपके फ्रेंड्स जो भी हैं फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पर उनको नज़र आए तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो पब्लिक पर भी क्लिक कर सकते हैं कि सभी को मेरा नंबर नज़र आए। अगर आप लोग हाइड करना चाहते हैं तो ओनली मी पर ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का नीचे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव पर। तो तीनों में से आप लोग किसी पर भी ले सकते हैं। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो ओनली मी पर ही रहने दें, और सबको दिखाना चाहते हैं तो आप लोग पब्लिक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद आप लोग उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोग शुरू में आए थे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक से आप लोग अपने नंबर को हाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग परेशान थे, अपने नंबर को हाइड करना चाहते थे लेकिन आपको मालूम नहीं था, तो आप लोग ये वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे आप लोग हाइड कर सकते हैं। और अगर आप किसी फ्रेंड को सिखाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए।